नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो कुंडली विवेचना की इस श्रृंखला में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, यदि हमारे लग्न में ही योग कारक होकर शनि महाराज उच्च के बैठे हैं तो किस प्रकार का जीवन अपने को मिलता है, और साथ ही साथ हमारे इच्छा पूर्ति आय भाव में सूर्य के स्वग्रही होने का क्या तात्पर्य है, और नवमांशा में भी यदि उस सूर्य की स्थिति और अच्छी हो जाती है तो उसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो चार्ट हमने लिया है विवेचना के लिए, ये वर्तमान में बहुत ही अच्छे एक प्रकार से कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर जैसा ही इनका पद है, और बहुत बढ़िया है ये कार्य कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चिंताएं इनके जीवन में वो रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कारण क्या रहा। तो देखिए, लग्न की यदि बात करते हैं, आप जानते हैं लग्न लग्नेश, पूरी कुंडली का एक प्रकार से प्राण कहा जा सकता है लग्न के पास। लग्न ही वो है जो आपको जितना भी बल है वो देने वाला है, वही आपके माने उसी को एक प्रकार से नियुक्त किया गया है कि जो कुंडली का बल है वो लग्न के जरिए, लग्नेश के जरिए हमें प्राप्त होगा। और इस लग्न के लिए यानी तुला लग्न के लिए आप जानते हैं शनि महाराज चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, और वो तुला लग्न को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया अपना हम देख सकते हैं। देखिए, तुला लग्न वैसे बिजनेस राशि मानी जाती है, व्यापार राशि मानी जाती है, लेकिन फिर हमें जोडियक का माने भौचक्र के साथ साथ फिर हमें लग्न से साथ में भाव का भी ध्यान करना, माने इनका यह भी प्रश्न रहा कि मैं यदि आगे भविष्य में व्यापार करना चाहूं तो कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया भौचक्र की सातवीं राशि तुला राशि में उच्च का शनि है, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वयं जो इनको लग्न मिला है उससे सातवें भाव में मेष राशि का राहु है जो कठिन माना जाता है। तो इसका तात्पर्य हम क्या निकाल सकते हैं, व्यापार किया जा सकता है लेकिन किसी और के नाम पर, उसका लाभ ही उठा सकते हैं, लेकिन अगर अपने नाम अपने पार्टनरशिप हाउस पर नजर डालें तो वहां मेष राशि का राहु है, लेकिन अगर हम पार्टनर से सातवें भाव की बात करें वहां तुला राशि का उच्च का शनि विद्यमान है। हालांकि केतु एक प्रकार के डिटैचमेंट की बात जरूर करता है, लेकिन हमने पहले भी कई वीडियो में बात बताई है कि केतु शनि को कई गुना बल दे देता है यदि वो बलि शनि के साथ बैठता है। हेडलेस पूरी तरह से ऑबिडेंट डार्क साइड के राजा को सपोर्ट करने के लिए केतु आ गया है, तो हम कह सकते हैं शनि का बल यहां बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम उसको एज इट इज ना लें कि भाई शनि का बल तुला राशि में बढ़ गया तो हम अपने ही नाम से व्यापार करने लग जाएं। और फिर सूर्य जब इतना बली हो जाता है, यानी स्वराशि का यहां भी है और आफ्टर मैरिज चार्ट में भी सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो व्यक्ति का जो आय का साधन है वो एक प्रकार से कमांड राजा ऐसी व्यवस्थित आय व्यक्ति को मिलती है, यानी पब्लिक सेक्टर सेमी गवर्नमेंट जैसी आय ऐसे चार्ट में कही जा सकती है। तो यदि ये बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होने का कोशिश करेंगे, माने हम बिजनेस को मुख्य रूप से शनि का कोर मानते हैं कि भाई सातवीं राशि में एग्जॉल्टेड होता है शनि, तो वो शनि का बल तो इनको प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी इनके जो इनकम सोर्सेज हैं वहां जो भी इनको आय आ रही है वो एक प्रकार से अधिकार पक्ष राजा ऐसी आय है। तो ये पार्टनर के नाम से व्यवसाय करें तो जमता है, खुद के नाम से व्यवसाय करते हैं तो जो भी पार्टनर होगा वो इनको छलने का प्रयास करेगा। हालांकि इनका जो शुरुआती पार्ट पार्टनर की दृष्टि से स्पाउस की दृष्टि से भी कठिन रहा होगा, उसमें यानी अभी हाल ही में यानी लगभग दो ढाई वर्ष पहले ही इनकी राहु की महादशा समाप्त रही, तो राहु की महादशा में काफी ज्यादा रिलेटेड टू स्पाउस रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की भी बात करता है, इस प्रकार की परेशानियां राहु ने निश्चित रूप से दी है। तो आप भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि, और फिर मैंने ये भी बताया है कि मेष राशि का राहु, राहु वैसे बड़ा एडेप्टिव होता है, कुछ समय के बाद
या तो वो अंतर दशाओं में दो बार आ जाए या अपनी महादशा समाप्त करके फिर जब आगे आएगा तो फिर वो राशि के स्वामी जैसा एक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कुछ कुछ मंगल के समान रोल प्ले करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। और सर्वस्तकवर का अच्छा खासा साथ आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब करीब करीब जो मैरिड लाइफ के लिए माने जाते हैं सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस का सपोर्ट है, जो दूसरे ग्रह और राशियों से पर्टिकुलर भाव को सपोर्ट मिला है वो बढ़िया मिला है। इस कारण से कह सकते हैं कि इतनी दिक्कतें आने के बाद भी मैरिड लाइफ स्पॉइल नहीं होगी, या एक प्रकार से कहें राहु के बाद तो अच्छी उदय कहा जा सकता है कि राहु की महादशा के बाद, और इनका गोल्डन टाइम शनि की महादशा माना जा सकता है। योग कारक प्लैनेट जो चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी है, तो चतुर्थ भाव हमारी रियल एस्टेट, जीवन में सुख, ठीक हो गया। और चतुर्थ भाव एक प्रकार से प्रजातंत्र का भी होता है, यानी जहां व्यक्ति रह रहा है वहां ऐसे कई काम करवाना जो हमारे आसपास के कई लोगों को सुख दे रहे हैं, तो ऐसे कार्य भी ये शनि की महादशा में करेंगे। पंचम भाव स्पेकुलेशन होता है, संतान अभिवृद्धि के लिए देखा जाता है, तो शनि ज्यादा तवज्जो देते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर यानी कुंभ राशि को, तो वो शनि लग्न में बैठा है, यानी लग्न का इतना बली हो जाना चार्ट को बहुत बल प्रदान कर देता है। ठीक हो गया। डिटैचमेंट प्लैनेट केतु जरूर बैठा हुआ है, तो बहुत मेहनती होने के बाद भी बहुत क्रेडिट अपने नाम नहीं लेना चाहते हैं, और आप जानते हैं केतु का स्वभाव क्या है, वो चाहे किसी भी भाव में वो बैठा हो वो संबंधित विषय में थोड़ा कम एक्सप्रेस करना चाहेगा, तो अब क्योंकि ये पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा बहुत अच्छा काम करने के बाद भी उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इनको पसंद नहीं कि भाई मैं उसने काम हो गया दैट्स इट। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी एक प्रकार से आपको पता है वो कई मामले में अच्छा भी माना जा सकता है। अब आपको पता है कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां उस चीज को माने क्या कहें, जनमानस को यदि हम दिखाए ना कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है, यानी कुछ अच्छे कार्यों का दिखावा भी करना अच्छा होता है, तो इसलिए दिखावा कोई बुरी चीज नहीं है कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, भाई हम कोई रोल प्ले करते हैं, कोई बहिर्मुखी नेचर होते हैं, यदि हम किसी को अच्छा कुछ सिखा रहे हैं अपने उस दिखावे से तो अच्छी चीज है वो, लेकिन यदि हम अपने काम को ही जितना काम किया है उस काम को ही बार बार बखान करें अपने अपने यश को और बढ़ाने के लिए, तो फिर वो कुछ दृष्टि से बुरा मानने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात पहले ही बताई, कोई स्वभाव गलत नहीं है, कुछ विषयों में दिखावा करना अच्छा है, बहिर्मुखी होना, लेकिन कहीं कहीं अंतर्मुखी होके ही काम करना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जो लग्न का केतु है ये कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और पूरा कार्य करेंगे। शनि उच्च होने का मतलब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा अब तक, अगर आपने हमारे चैनल में सीरियसली लंबा समय बिताया है, वीडियो देखे हैं, तो शनि यानी क्या, जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्म प्रधान जीवन है, जो आलस्य प्रमाद नहीं करता अपने काम को लेकर, उसका शनि बलि है, और जो अपना काम भी किसी पर टाल देता है, उसको काम आता तो बड़ी मुश्किल से काम करता है ऐसा व्यक्ति जिस, तो आप ये समझ रहे हैं रेमेडी मतलब क्या, रेमेडी तो यही थी ना, अगर शनि आपके चार्ट में कमजोर है तो भाई आपको अपना काम किसी पर टालेंगे तो और पिटाई होगी उसको, ये बड़ी माने जिसको जो भी काम अपने के लिए आता है वो कोशिश करता है यार ये कर दे या ना करना पड़े, तो आपको फिर पता है शनि फिर जिस जिस चीज का कारक होगा उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ठीक हो गया। और शनि यहां से एक दो तीन तीसरा भाव हमारे भाई बहनों के लिए देखा जाता है, तो इनके आगे भाई बहन नहीं है, और हालांकि ये पेपर वर्क के लिए अच्छा माना जाता है, तीसरा भाव पेपर वर्क का होता है, आप जानते हैं गुरु ने शुरुआत में दिक्कतें की क्योंकि गुरु डेबिलिटेटेड नीच है, लेकिन उत्तर कालामृत अनुसार वो डेबिलिटेटेड होकर रेट्रोग्रेड हो गया, नीच होकर वक्री हो गया, इस कारण से जो दूसरा यानी जो ब्रह्मचर्य जब शुरू हुआ होगा जीवन, तो इनका पेपर वर्क अच्छा नहीं रहा होगा।
लेकिन गुरु एक तो इस रूल अनुसार भी अपना निज भंग करा लिया उसने, और फिर मंगल सामने देख रहा है, यानी गुरु के नीच भंग के लिए मंगल और मंगल के नीच भंग के लिए गुरु बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो दोनों ही ग्रह डेबिलिटेटेड होने के बावजूद भी अच्छी वापसी करेंगे, और वो चीज हम नवमांश से भी पुष्टि कर सकते हैं। नवमांश में मंगल ने बहुत अच्छी वापसी की, उच्च का हो गया मकर राशि में। ठीक हो गया। और इनका ये भी प्रश्न था कि भाई मेरा धन भाव, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरे जीवन का ओवरऑल फाइनेंस। जैसे मैंने बताया लग्न में तो योग कारक शनि आ ही गया, और केतु जो डार्क साइड के राजा के साथ यानी शनि के साथ बैठा हुआ है, उसने शनि के बल को और बढ़ा दिया। अब हमें समझना है 8 नंबर का जो प्राइमरी लॉर्ड है, जो मुख्य लॉर्ड है, वो मंगल माना जाता है। तो मंगल को ढूंढते हैं, मंगल को टटोलते हैं, तो मंगल यहां आगे कर्क राशि का मंगल डेबिलिटेटेड नीच माना जाता है। तो जब कभी ऐसा प्राइमरी लॉर्ड और सेकेंडरी लॉर्ड में ऐसा आप देखते हैं, प्राइमरी लॉर्ड थोड़ा कम हो रहा है पहले अटेम्प्ट में, तो फिर ये पावर सेकेंडरी लॉर्ड के पास चला जाता है। कि अभी फिर केतु को देखें हम जरा, केतु मंगल के मुकाबले ज्यादा बलवान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो डार्क साइड के राजा उच्च के साथ होकर बैठ गया। इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई राहु केतु जैसा प्लैनेट अकेला बैठा होगा, तो फिर हम राशि, उस राशि बल के जरिए प्लैनेट बल को टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई प्लैनेट शैडो प्लैनेट यानी राहु केतु जैसे प्लैनेट कोई और ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो पहले उस ग्रह के साथ संबंध देखना है हमारा, कि क्या राहु जो है वो अपने मित्र होकर बैठा हुआ है, और क्या उसको जो बैठा है सिटिंग एलिमेंट वो शत्रु मानकर बैठा है। कई दफा ऐसा भी हो जाता है राहु स्वराशि का है लेकिन, माने कुंभ राशि का है लेकिन उसके साथ जो उसका क्रूर जो शत्रु है मंगल वो बैठा हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन को फिर जो स्वराशि का राहु मिला है उसको मंगल बाधित करने का प्रयास करेगा। तो और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि किसी किसी के लिए तो ये कुछ हद तक अच्छा भी माना जा सकता है। मान लीजिए अगर आपका लग्न सूर्य मंगल चंद्रमा इस साइड का है, लग्न माने 1, 5, 9 इस प्रकार के लग्न अपने मिल रहे हैं जो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति या उनके मित्र हैं, तो उसके लिए तो ये कुछ हद तक मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जिसने मंगल को बाधा पहुंचाई है खराब माना जा सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं डार्क साइड यानी शनि और शुक्र बुध इस प्रकार के लग्न यदि मिल जाते हैं, तो आप जानते हैं कि मंगल के लिए फिर जो एजेंडा होगा मंगल का वो अच्छा नहीं होगा, वो एक प्रकार से फंक्शनल मेलिफिक नेचर उसको मिल जाएगा। तो फिर वो एक प्रकार से राहु ने उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो आप इसीलिए हम केवल ये नहीं कह सकते मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है एक सा फल हो जाएगा। कुछ लग्नों के लिए तो हम चाहते हैं कि भाई वो जो फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है वो दबा रहे। ठीक हो गया। तो मंगल को राहु बहुत बढ़िया दबा सकता है, या इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि राहु को मंगल ने दबा दिया। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से समझना है, वो इसीलिए लग्न अनुसार समझ में आएगा ये, कि अभी हम मेष लग्न के लिए बात कर रहे थे या कुंभ लग्न के लिए बात कर रहे थे। ठीक हो गया। और यहां जैसे मैंने बात की कि ये अब सेकेंडरी लॉर्ड के बल, यानी केतु एक प्रकार से धनेश है, इनकी तिजोरी के बारे में, इनके सेविंग्स के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं होगा। ध्यान रखना है रूटीन इनकम अलग विषय है, हमारे डिपॉजिट्स हमने कितना धन जोड़ा है अलग विषय है ना, ये बात करना पसंद करते हैं अपने पैसा कहां का हमने संजोया है लगाया है। ठीक हो गया। केतु और एक शनि, आप जान रहे हैं चौथे और पांचवे का स्वामी भी है, तो जब शनि के साथ केतु का मिलन, तो एक प्रकार का वो धन योग के समान आ रहा है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ लग्न में बैठे और दोनों की सहमति है। ठीक हो गया। तो एक प्रकार का धन योग बन गया, तो अच्छा माना जा सकता है। और दूसरा भाव आप जानते हैं ये हमारे
कुटुंब को भी बताता है। तो इनकी जो फैमिली गैदरिंग है, नो डाउट इनके परिवार में एकत्रण ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कम लोगों का एकत्रण भी एक दूसरे के साथ सहमत है। जैसे क्या होता है, कई बार हमारा एकत्रण परिवार का बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनमें आपसी सहमति कम है। अभी क्या, 8 नंबर आप जानते हैं, ज़ोडिएक का गुप्त, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, इस प्रकार की बात करता है। तो जब भी कोई इनका फैमिली फंक्शन, इनकी कोई किटी पार्टी होगी, तो उस पार्टी में लोग तो कम होंगे, कम ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। 8 नंबर मतलब कम शब्दों में अपनी बात रखना, लेकिन समावेशित हैं, सब मिले हुए हैं। ये तू तो ओबीडिएंट है लॉर्ड के प्रति अपने, तो ये वाली बात, यानी कभी इनकी कोई कुटुंब, इनकी फैमिली गैदरिंग की बात करनी हो, इनके परिवार के छोटे एकत्रण की बात करनी हो, वो भी हम कुटुंब भाव से समझ सकते हैं। जिसके भी दूसरे भाव में स्वग्रही, माने अब आपको पता है पार्टी किसका मुख्य विषय, जब मतलब मैं एक हालांकि दूसरे भाव से बड़े विषय लिखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरा भाव एक प्रकार का एकत्रण है परिवार का है, तो जब एकत्रण होता है तो आजकल ऐसा पार्टियां देने का कल्चर है परिवार में, वो किसका मुख्य विषय है, किस प्लैनेट का, तो इसको भी अंतर करके आप समझ सकते हैं कि भाई दूसरे ही भाव में स्वग्रही बृहस्पति और दूसरे ही भाव में स्वग्रही शुक्र, पार्टी के केस में कौन ज्यादा आनंद देने की क्षमता रखता है, तो आप अंतर कर सकते हैं। माने दोनों ही प्लैनेट अच्छे हैं, लेकिन अगर हम वो जो छोटी पार्टियों का आनंद ज्यादा लेना चाहते हैं, तो फिर वो महारत किसकी है, शुक्र आप जानते हैं थोड़ा लग्जरी और ये सब आइटम वस्तु, इन सब चीजों में ज्यादा, सात्विकता में गुरु जैसा कोई प्लैनेट नहीं है, वो सात्विक बहुत होगा, बहुत अच्छी गैदरिंग होगी, बहुत ही जेंटल, वहां दिखावा भी कम होगा। जहां भी गुरु दूसरे भाव में स्वराशि का आ रहा है, और इसमें भी आप अंतर कर सकते हैं, गुरु कौन सी राशि में स्वराशि का है, माने अगर यहां 9 नंबर होकर गुरु आ रहा है स्वराशि का, अलग प्रकार की गैदरिंग, 12 नंबर होकर गुरु आ रहा है तो भी अलग प्रकार की गैदरिंग। 12 नंबर आप जानते हैं, 12 नंबर थोड़ा सा स्वभाव से माने 12 नंबर जल तत्व है, थोड़ा चंचल बृहस्पति, इस प्रकार माना जाता है, रोमांटिक फेज हो जाता है। और 12 नंबर किसकी फेवरेट राशि है, वो शुक्र की फेवरेट राशि है, तो उस बृहस्पति में एक राजसिक गुण इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और 9 नंबर में जब गुरु स्वराशि का होता है, तो उस बृहस्पति में एक क्षत्रिय गुण इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस अंतर को आप बखूबी अब तक समझ गए होंगे, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके हैं, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी बिल्डिंग का जो हम आधारशिला रखते हैं, वो यदि मजबूत है, तो उस पर आप कितनी उसको अट्टालिकाएं, कितना ऊंचा उसको उठा सकते हैं, उस पर फिर डर नहीं रहता है कि मैं उस पर फिर 3rd फ्लोर चढ़ाऊं या 4th फ्लोर चढ़ाऊं, आप कितना चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आधार कमजोर है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। हमने पूरा कोशिश किया है कि हमने, बहुत मुश्किल काम है, आप लोगों के कारण ही, सपोर्ट के कारण ही संभव हो पाया वो। तो जो भृगु संहिता जिसने पूरा देख लिया है, उसको किसी ग्रह और राशि का व्यवहार समझने में आसानी होगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर वहां कुछ कमी रह भी गई है, वो कमियां फिर आप हमारी जो एस्ट्रो ज्योतिष प्लेलिस्ट वाली क्लासेस हैं वो देखें, तो वो बिल्कुल कमियां पूरी हो जाएगी। और फिर जब आप इस क्लास को समझेंगे, तो फिर आपको पूरा आनंद आएगा। जैसे कई कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा और डिटेल में बताइए। अब देखिए, आप जानते हैं ज्योतिष अनंत है, एक क्लास में बता पाना तो संभव नहीं है। वो क्यों कई दफा इनकंप्लीट लगता है, क्योंकि वो पुरानी क्लास में ऑलरेडी कहा जा चुका है। इसीलिए मैंने जो अभी 9 और 12 का अंतर समझाया, या शुक्र का भी 2 नंबर में अलग प्रभाव आएगा और 7 नंबर में अलग प्रभाव आएगा, तो वो प्रभाव आप पूरी तरह समझ सकें, इसके लिए आपको भृगु संहिता की सारी वीडियो, अपने लग्न अनुसार भी, आपके परिवार में कोई मेंबर है उसके लग्न पर भी लगाइए, जो भी चार्ट आपको मिल रहा है उसके लग्न के अनुसार आप लगाइए, आपको धीरे धीरे उसका एलिक्सर, उसका सार, उसका अमृत स्वयं मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे अभी मैंने बताया, 8 नंबर ज़ोडिएक का गुप्त नंबर माना जाता है, और क्योंकि केतु के पास ही इसकी लॉर्डशिप अभी हम ले रहे हैं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है,
तो फिर केतु का ही पूरा प्रभाव रहेगा, यानी गुप्त होकर अपनी बात रखना, इनकी तिजोरी के बारे में, इनके जो सेविंग्स है उनके बारे में ज्यादा ये नहीं बताएंगे। मतलब कई लोग होते हैं ना भाई, ये बताते हैं मैंने ये पॉलिसी ले रखी है, मैंने पैसा वहां लगा रखा है। कई लोग होते हैं बहुत गुप्तता से, अपना अपना विचार है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और वो पूरा कुटुंब का भी लाभ इनको मिलेगा। और जैसे मैंने बताया इनकी गैदरिंग कम गैदरिंग होगी, लेकिन अच्छा बढ़िया रहेगा। वैराग्य जैसा भावना आती केतु में, डिटैचमेंट प्लैनेट माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, एक होता है वॉलेंट्री, माने खुद से हम थोड़ा वैराग्य लेकर आते हैं, एक होता है अनबन से वैराग्य होना, मेरा इसका स्वभाव नहीं जमता है। तो जब अगर अनफेवरेबल मूड में केतु जैसा प्लैनेट दूसरे भाव में बैठता है, यानी वो उस राशि को अच्छा नहीं मानता है, तो फिर वो अनबन से वैराग्य कराने की ओर ले जाता है। लेकिन जब वो स्वराशि का राशि बल से बैठता है तो वॉलेंट्री सहमति से वैराग्य जैसा भावना लेकर आता है, जो अच्छा है। आपको पता है ईश्वर को जानना है, ईश्वर को समझना है, तो वैराग्य यदि स्वयं से उत्पन्न हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, ठीक हो गया। तो ये सर्वस्तक वर्ग में भी 33 नंबर हम बहुत बढ़िया मानते हैं, ठीक हो गया। और फिर यदि हम सेकेंडरी लॉर्ड की भी बात कर लें, माने प्राइमरी लॉर्ड जो पहले थे, अभी वो पावर सेकेंडरी की तरफ चला गया, तो मंगल ने भी नीच भंग तो करवा ही लिया है। अब हम आते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जैसे मैंने बताया पेपर वर्क, भाई बहन, तो पहला अटेम्प्ट इनका अच्छा नहीं माना जा सकता, तो इनको आगे इनके भाई बहन नहीं हुए, ये एक एक ही संतान है परिवार में। और इनके अगर हम शुरुआत में नेबर रिलेशनशिप की भी बात करें तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं था। इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गुरु से रिलेटेड पार्ट या गुरु से जो भी कारक होते हैं, किसी भी मेंटर के बारे में, किसी भी टीचर के बारे में, किसी भी एजुकेटर के बारे में यदि ये गलती से भी कुछ गलत बोलेंगे तो फिर इनका पराक्रम भी बाधित होगा, इनका गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेक्स्ट मैसेज, पेपर वर्क भी बाधित होगा, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है इनको, इनको किसी भी गुरु से संबंधित विषयों को लेकर आनाकानी नहीं, माने नीच ग्रह लेकर पैदा होना मतलब कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके लिए बड़ा सतर्क रहना है, बार बार वो गलती रिपीट नहीं कर सकता। अभी क्या पराक्रम को लेकर गलती हुई थी, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे गुरु। इसी प्रकार से गुरु की गलती वो अपने आप ही हालांकि ठीक हो जाता है उत्तर कालामृत के हिसाब से, फिर भी मंगल गुरु की कमी को ठीक कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है इनको एक गुरु उल्टा धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता खाली हमने गुरु मंत्र कहीं से ले लिया, हमें उसकी आज्ञा आज्ञा माननी पड़ेगी निर्विरोध रूप से। अभी मेरा मन कर रहा है तो मैंने मान लिया, नहीं कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप आज्ञा पालन तो बड़ा कठिन विषय होता है, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति तो जीवन में धारण इनको करना ही पड़ेगा कि जिनकी आज्ञा इनको बिना प्रश्न किए वो आज्ञा मान सके, ठीक हो गया। और उसके बाद यदि हम और आगे चौथे भाव की ओर बढ़े तो चौथा भाव ये हमारे गृह सुख, घर के सुख की बात करता है, माता के सुख की बात करता है, ठीक हो गया, हमारी एजुकेशनल एबिलिटी की बात करता है। ध्यान रखना है ये हमारी खुद की एबिलिटी, जिसके लिए हमें सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है। पंचम भाव हमारी सर्टिफिकेशन, दोनों में फर्क है। अब इनका यह भी प्रश्न था कि सर मुझे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आगे करने चाहिए, अगर मैं प्रमोट होना चाहता हूं तो क्या मुझे कोई डिग्री सर्टिफिकेशन आगे मास्टर्स में जाना चाहिए। नो डाउट, मैं तो सभी को कहता हूं भाई जब तक जीवन है अपने आप को अपग्रेड करते रहें। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहे हैं तो इनको कोई डिग्री सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है, या ये कह सकते हैं गुरु जो नेचुरल कारक होता है ज्ञान का, जब वो डेबिलिटेटेड होता है तो व्यक्ति एक प्रकार से स्वयं ज्ञानी हो जाता है। जितना बेसिक एजुकेशन, बैचलर एजुकेशन इनको चाहिए था, अब उसी एजुकेशन पे ये और ज्यादा एक्सपीरियंस ऐड कर लें, अपने से ज्ञान ले लें। माने अगर उस प्रश्न के उत्तर की बात करें कि इनका जो प्रश्न था वर्तमान में कि मैं अपनी डिग्री को और आगे बढ़ाऊं, तो उसका कोई खास फायदा इनको बिजनेस में या जॉब में नहीं होने वाला है। तो जो इन्होंने केवल सीखा है
उसी का इस्तेमाल करें, बढ़िया काम करेगा। और गुरु जब भी डेबिलिटेटेड होता है तो आपको पता है वो जितना ज्ञान उनको होता है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ज्ञान से कम ही बोलते हैं वो। और जब ये एग्जॉल्टेड हो जाए तो जितना ज्ञान है उससे ज्यादा बोलने का प्रयास करते हैं, तो कई बार वो गड़बड़ भी हो जाता है। उसको बोलते हैं दम, अहंकार। कुछ हद तक वो अच्छा हो जाता है, जैसे मैंने बताया एक्सप्रेस तो करना ही चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्रेस करने लग जाए तो कई बार आदमी को लगता है यार ये तो फिर अभी वाणी अहंकार हो गया बहुत। तो ये जितना पता उससे कम ही बोलते हैं बहुत ही। और वैसे भी जैसे मैंने बोला लग्न में भी यही बात कुछ इंडिकेट करती है, लग्न केतु से भी प्रभावित है और शनि काम करने पर विश्वास ज्यादा करता है, बताने पर नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे काम करने पर ज्यादा विश्वास है। शनि को एक ऑबिडेंट वर्कर माना जाता है, ठीक हो गया। या कह सकते हैं आजकल के समय डार्क साइड अंधकार पक्ष के राजा और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनका बल बहुत ज्यादा है। जब तक प्रजातंत्र का राज ज्यादा रहा समाज, इसी को बोलते देश काल पात्र। कोई कुंडली हम हजार साल पहले देख रहे हैं जब समाज में प्रजातंत्र का दबदबा थोड़ा कम था, राजतंत्र का दबदबा ज्यादा था, उस समय हम कुछ विशेष परिस्थितियों में शनि का पार्ट कमजोर आंकते थे, सूर्य का पार्ट ज्यादा आंकते थे। लेकिन आजकल की बात करें देश काल पात्र, और ऐसा ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की सहमति से ही हो रहा है, तो आजकल में डेमोक्रेटिक प्रजातंत्रीय पार्ट ज्यादा हो गया, राजतंत्र पार्ट बहुत कम हो गया। इसीलिए हमें फिर शनि का बल अगर क्षीण हो जाता तो फिर हम सीरियस इशू हो जाता, उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि कोई चार्ट तब देखा जा रहा है और अब देखा जा रहा है, क्या अंतर है। तो और आप जानते हैं जोडियक भौचक्र के चौथे भाव के एक्सपर्ट प्लैनेट कौन है, सबसे ज्यादा अनुभवी बृहस्पति। अगर भौचक्र से देखें यानी ये मेष लग्न मानते हैं काल पुरुष की कुंडली, तो एक दो तीन चार, तो चार नंबर जोडियक का परमानेंट रिजर्व है ग्रह भाव के लिए। और उसमें कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो जाता है, बृहस्पति। तो अभी राशि वो नहीं मिली है लेकिन वो प्लैनेट वो आ गया और उसने अपना निज भंग करवा लिया है। तो इनका जो भवन है, चाहे गैदरिंग में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते हैं लेकिन इनके भवन में कोई व्यक्ति आएगा तो शांत हो जाएगा। भाई गुरु एक्सपर्ट है उस चीज के लिए, और अब इनको गुरु की महादशा भी चल रही है, तो चाहे इन्होंने राहु की महादशा में वो चीज फील ना की हो लेकिन अभी वो चीज बिल्कुल फील करें कि इनको ग्रह शांति, भवन का सुख। कोई व्यक्ति इनके घर में आता तो बड़ा उसकी वृत्ति एकदम शांत हो जाती है, वो चीज इनके घर से समझी जा सकती है। यानी कभी कोई ऐसा प्रश्न आता भाई आपके घर में ऐसा माहौल बन जाएगा। थोड़ा सा राहु की महादशा स्पेशली में पिता की हेल्थ को लेकर ये चिंतित हुए। अभी ध्यान रखना है हम भौचक्र से भी एक अंदाजा लगाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सूर्य बहुत बली है, षडबल में भी सूर्य जो नेचुरल कारक होता है। लेकिन अगर हम एक जोडियक एक इंप्रेशन भौचक्र का लगाते तो नवम भाव पिता के रिजर्व है, धनु राशि, उसका स्वामी होकर गुरु डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया। लेकिन अभी गुरु आया है, अब जो पिता को लेकर इनके मन में थोड़ा सा संशय था भी पिता ठीक रहेंगे हमारे साथ बढ़िया, तो संशय अब वो संशय समाधान हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा इनको, ठीक हो गया। भाई ये तो पार्ट काफी कठिन रहा होगा मेष राशि का राहु, लेकिन अभी जुपिटर है जो मकर राशि में है, तो इसलिए जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट माना जाता है। भाई मकर राशि में गुरु का फल जमता नहीं है, क्योंकि मकर राशि में हमें क्या पता है कि वो वक्री होकर बैठा है या सामने हमारा नीच भंग वाला प्लैनेट बैठ गया है या आफ्टर मैरिज चार्ट में वो वर्गोत्तम हो गया है। इसीलिए हम केवल इसको पढ़ने के समय तो मान सकते हैं लेकिन ये फलित के समय ये स्टेटमेंट देना ठीक नहीं, क्योंकि पढ़ते समय तो हम सारी रिहर्सल करते हैं, गलत चार्ट बनाकर देखते हैं, सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो वही मैंने पहले भी बताया था,
कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई के लिए उनकी हेडिंग बनाई गई थी, यानी एस्ट्रोलॉजी लर्न करते समय वो हेडिंग बनाई जाती है। जब उसको एज इट इज किसी की फलित ज्योतिष कुंडली में इस्तेमाल करने लग जाते तो फिर वो असमंजस की स्थिति आ जाती है। इसलिए बहुत विवेक से, बहुत सतर्कता से ये इनका इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई तेरा तो बृहस्पति नीच का हो गया, बृहस्पति गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं। जो हमें पठन पाठन की दृष्टि से कोई बुक पढ़ाई जाती है और जब हम उससे फलित करते हैं, वो बड़ा सतर्क होकर हमें समझना है कि जो कुछ उसमें रॉ डाटा था, कुछ कच्चा डाटा था जो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए भी बताया गया था, अब वो एक्सपेरिमेंट पार्ट हमें वहां नहीं बताना है। ध्यान रखना इस बात का। जैसे हम एक नए व्यक्ति को जो भी एक्सपर्ट नहीं है उसको ये शब्द जब बोल देते हैं कि भाई तेरा तो ये मारक है, वो हमारे लिए विषय था कि भाई वो मारक है, इसके सातवें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, तो वो कब प्रश्न आया है, किस प्रकार का हेल्थ का प्रश्न आया है और मारक की अंतरदशा चल रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है बस। अब हमने सीधे एक नए व्यक्ति को मारक बता दिया, उसने कोई एस्ट्रोलॉजी सीखनी तो है नहीं, उसको केवल फलित लेना है, तो उसके मन में कितना गलत मैसेज चला जाएगा। मारक मतलब क्या, वो अंदाजा लगाएगा, मारक यानी मारने वाला। जबकि यही दो हाउसेज सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ को सुधार सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। सेकेंड हाउस जिसका क्रैश हो गया, सेवेंथ हाउस जिसका क्रैश हो गया, मैरिड लाइफ खत्म। सेकेंड हाउस कुटुंब है, सेवेंथ हाउस पार्टनर की पर्सनालिटी आउटलुक। इसलिए ये पता लगा मारक की महादशा शुरू हुई और मारक स्वग्रही है, स्वराशि का है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा पैसे के कलेक्शन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, स्पाउस के लिए। और हमने उसको क्या बता दिया, भाई तेरी मारक की महादशा शुरू हो गई है। इसलिए ये विवेचना ठीक नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, पढ़ना चाह रहा है, वो इस पार्ट को पढ़े और अच्छे से समझे। लेकिन अभी कोई फलित करवाने आया आपके पास और आपने उसको मारक, तेरा बाधक है, ये बाधक का मतलब क्या होता है, जो बाधा डालता है, और वो किसी लग्न में वो नवमेश होता है, किसी लग्न में वो एकादशेश होता है, और किसी लग्न में वो सप्तमेश होता है, तो फिर अगर आप उसको इस प्रकार बात बताएंगे, वो जातक के प्रश्न अनुसार देखा जाता है। इसको हम कहते हैं ना भाई, जैसे शगुन शास्त्र में हम कोई सामने कोई बात आती है उसके अनुसार फिर वो तय करते हैं भाई क्या अच्छी आई क्या बुरी बात। ऐसे जब कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, हमने कुंडली बनाई उसकी और प्रश्न उसका ऐसा हुआ कि भाई वो रिकवर होने का डर है, रिकवर होगा या नहीं होगा, अभी ऐसा कुछ अर्चन जैसा प्रश्न आया है, तब कहीं आपको प्रश्न करते समय बाधक नजर आ गया, तो फिर आप थोड़ा बोलेंगे हाँ ये डिले हो सकता है। लेकिन आप वो मतलब कमेंट में भी मुझे आया, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये तो बाधक है, बाधक है तो क्या वो भाग्यश नहीं है क्या, बाधक है तो क्या वो आयेश नहीं है क्या, बाधक है तो क्या वो सप्तमेश पार्टनर बिजनेस नहीं है क्या, मारक है तो क्या वो धनेश नहीं है क्या, मारक है तो क्या वो स्पाउस मैरिज नहीं कराएगा क्या। इसलिए ये एक बड़ा बचकाना सा लगता है जो इस प्रकार का अर्ध सत्य लेकर हम घूमते हैं, और वो चीज फिर हम कहते हैं नहीं सर आपने ये चीज तो बताई नहीं कि वो नवमेश तो बाधक होता है, ऐसा तो वो बताने के लिए नहीं है ये विषय। जब आप ये विषय खुद पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप किसी का फलित कर रहे हैं तो ये डराने के काम आने वाला कोई चीज, कोई शब्द नहीं है। इसको डराने के यंत्र के रूप में, कोई शस्त्र के रूप में इस्तेमाल नहीं करना इन शब्दों का, बड़ा विवेक से इस्तेमाल करना है शब्दों का। और फिर पंचम भाव, इनका संतान संबंधी प्रश्न भी था, तो संतान संबंधी प्रश्न अगर देखते हैं तो अपने से नवम होकर शनि बैठे हैं उच्च के, डिटैचमेंट प्लैनेट केतु के साथ जरूर बैठे हैं बट वो अच्छी सहमति के साथ बैठा हुआ केतु, तो कह सकते हैं अपने से नवम इनकी संतानें, खास करके शनि की जब महादशा इनको लगेगी
तो जहां ये रह रहे हैं अभी, उनसे दूर रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने से नम सामान्यता अच्छा मानते हो, उच्च का होकर बैठा हुआ है शनि, इनकी संतानों की दृष्टि से बहुत बढ़िया, सूर्य स्वराशि का होकर दृष्टि जमाए हुए हैं पंचम भाव में, स्पेकुलेशन के लिए, संतान के लिए, ठीक हो गया, फैमिली प्रेस्टीज के लिए, पांचवें भाव का बल बहुत बढ़िया है। फिर अब आते हैं इनके सिस्टम, जो भी कोई कंपटीशन ओवरकम करने जैसा, यानी कुछ ऐसा डर इनको लग रहा था कि मैं इस पर्टिकुलर काम में, इस जॉब में ठीक हूं, मुझे कुछ हल्का फुल्का डर लग रहा है, वो डर कब जाएगा, ऐसी कोई भी लिटिगेशन मैटर, पैसा कहीं से ले लिया वो कब उसको, उसके लिए अब बेहतरीन समय, बिकॉज गुरु उसी काम के लिए लगाया गया है, और गुरु को जैसे मैंने बताया अभी, नीच होकर भी नीच भंग का मतलब होता है चाहे वो उस राशि में सैड हो जाए, लेकिन किसी के कारण वो ट्रिगर कर गया और वो उच्च समान फल दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको, इस पार्ट को कोई कभी ऐसा ना समझे अभी कि भाई गुरु तो उसका तो एजेंडा ही तीसरा और छठा भाव है तो वो तो खराब ही फल देगा। आप ये भी समझें कि वो प्लैनेट पहले अटेम्प्ट का दौर निकाल चुका है, यानी ब्रह्मचर्य जीवन अभी जा चुका है और अब वो करियर को और बढ़ाने का ही काम करेगा, ठीक है। तो जो भी लिटिगेशन मैटर्स हैं, जो भी कुछ भी ऐसे पेंडिंग जहां हम कोई ऐसा ओवरकम, कंपटीशन ओवरकम करना, कोई प्रतियोगिता में जीत हासिल करने जैसा है, वो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। वैसे भी सर्वष्टक वर्ग हमारा शत्रु भाव का 29 है, थ्रेशोल्ड से ऊपर है, बहुत बढ़िया है। ये भाव समझना थोड़ा कठिन है, सातवां भाव। सातवां भाव हमारा पार्टनर, पार्टनरशिप, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। अब इसका जो डिपॉजिटर है वो भी डेबिलिटेटेड, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, त्वरित प्रभाव देने वाला राहु भी मेष राशि का प्रबल शत्रु। तो इनका जीवन जब शुरुआत हुआ तो ये अपने संयोगी कह सकते हैं आप, क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए तो अब पार्टनर इस्तेमाल करना तो ठीक नहीं रहेगा कि कोई बिजनेस पार्टनर के रूप में, कोई भी सहयोगी इनका रहा होगा ब्रह्मचर्य काल तक, यानी 25-26 वर्ष तक भी जो भी इनको सहयोगी ऐसा रहा होगा, वो सहयोगी एक प्रकार से बहुत लंबा समय साथ देने वाला नहीं कहा जा सकता है, ठीक हो गया। और कुछ हद तक मैरिड लाइफ में भी शुरुआत में कठिन प्रभाव रहा। मैं इस चीज के लिए माने अभी सिक्योर क्यों मान रहा हूं इस चीज को, क्योंकि देखिए दूसरा भाव, सातवां भाव, आठवें भाव के स्वामी और सर्वस्तक वर्ग जो है अच्छे रिकवर हो गए। आठवें भाव का स्वामी आप जानते हैं शुक्र, जो लग्नेश होकर नवम भाव में बैठ गया, एक लक्ष्मी त्रिकोण का भाव जो स्वामी दूसरे में आके, और शुक्र नेचुरल कारक होता है स्पाउस रिलेशन, तो उसके लिए अच्छा हो गया। फिर हम बात करते हैं यदि मंगल की, तो मंगल नीच हुआ लेकिन उसने नीच भंग करवा लिया, और मंगल राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा, मंगल और बुध का मिलन, यानी जो शत्रु भी है तभी भी राजयोग का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं, बट हमने उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया कि आप जेंटल हो जाओ, कहते ठीक है सर अब नहीं लड़ेंगे हम, कुछ ऐसा ही इनके साथ हमने किया है। माने कोई भी दो प्लैनेट जो आपस में नेचुरल उनको लड़ने का विचार रहता है कि भाई ये प्राकृतिक रूप से शत्रु हैं, फिर भी जब कभी ऐसा राजयोग बना देते हैं तो वो अपना भाई सत्ता हाथ में आ जाती है, तो दोनों को राजा बन गए, अभी कहते ठीक है सर अब नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहां मंगल और बुध, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है कि भाई हमारा जो डिपॉजिटर है उसने पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया लेकिन उसने रिकवरी कर ली है, रिकवरी ना करवाई होती मंगल ने तो निश्चित रूप से, और फिर सातवें भाव, आठवें भाव, दूसरे भाव के सर्वस्तक वर्ग भी कमजोर होते, यानी भाव रेखा बिंदु बल कम होते, तो फिर हम एक संशय उत्पन्न होता, अभी मैरिड लाइफ में खतरा, लेकिन अभी हम बच गए, ठीक हो गया। तो 28 सर्वस्तक वर्ग से बढ़िया निकल जाएंगे, और जब भी कभी ऐसा राहु की अंतर दशाएं चलें, पार्टनर का थोड़ा ध्यान रखें,
और सातवां भाव, क्योंकि मैंने जैसे बताया इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का भी होता है, तो साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक हो गया। अब आते हैं आठवां भाव। आठवां भाव हमारा ससुराल पक्ष, हमारी पेंशन हाउस भी कह सकते हैं आप, जो कई लोग अपने वृद्धावस्था के समय इनकम को लेकर परेशान होते हैं, जब मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तब मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आठवां भाव पेंशन प्लान, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत लंबे समय के लिए आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है, वो आठवें भाव से देखा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एट्थ हाउस से देखा जाता है। याद रखना है, जो हमारे ट्रेडिंग है हमारी नॉर्मल, तुरंत मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा आता है, वो पांचवें भाव स्पेकुलेशन, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो एट्थ हाउस। इनको एट्थ हाउस का ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है बजाय कि तुरंत जो ट्रेडिंग, मतलब अगर ये कोई अपने बुढ़ापे के लिए जो इन्होंने किया है एट्थ हाउस में 33, तो इनको बुढ़ापे में बिना करे भी जॉब इनको एक अच्छी अमाउंट जिंदगी भर मिलती रहेगी, तो ये बहुत बढ़िया हो गया एट्थ हाउस। इन-लॉज फैमिली के अगर नेचर की बात करें तो आप जानते हैं जो जो प्रभाव एट्थ हाउस को मिलते हैं वैसे ही हमारा ससुराल पक्ष बनता है। तो देखिए आठवें भाव का दृष्टि कौन डाल रहा है, जुपिटर, 1, 2, 3, 4, 5, और इसी राशि में जुपिटर आफ्टर मैरिज चार्ट में भी आ गया, और इसका आप जानते हैं दो नंबर राशि का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। दो नंबर राशि जो कुटुंब है ज़ोडियक का, तो ससुराल पक्ष का, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ मामले में इनका स्पाउस तो थोड़ा सा डोमिनेट करता दिखाई देता है, लेकिन जो ससुराल पक्ष का बीच बचाव करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। तो दो नंबर, वेरी गुड। और कोई इसको केवल ऐसा भी ना समझे कि सर अष्टमेश होकर वो नवम में चला गया, ये इतना सिंपल रूल ऐसे नहीं अप्लाई करना है। माने कोई भी अगर वो लग्नेश नहीं होता तो ये अप्लाई हो जाता, सिंपल रूल कोई भी, बट अब उस पर जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लग्नेश होकर नवम में गया है। हम ऐसा बोलते हैं ना भाई अष्टमेश का नवम के साथ संबंध सामान्यतः अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी वो शुक्र को आप मुख्य रूप से क्या कहेंगे, अष्टमेश कहेंगे, लग्नेश कहेंगे, लग्नेश कहेंगे। वैसे भी सात नंबर इसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसको ज्यादा महत्व देता है वो, पर लग्नेश होकर नवम में आया है वो, अष्टमेश होकर वो एक सेकेंडरी बात है। हमेशा ही लग्नेश तो लग्न के लिए शुभ होगा ही होगा। ठीक हो गया। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि अष्टमेश ने नवम से संबंध बनाया, आठवां भाव व्याधि का होता है, तो पिता को बीमार किया, पिता से कुछ ऐसा परिवार को यह भी रहा कि पिता ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब जब जुपिटर का समय शुरू हो गया है, जुपिटर देख भी रहा है, और जैसे अगर आप चंद्रकुंडली से भी देखते हैं तो ये सात आठवें भाव में इनका राहु था जो व्याधि का होता है, तो इनको व्याधि तो ये बचे रहे, लेकिन वो पिता के लिए कष्टकारी रहा, लेकिन अब वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि है और ट्रांजिट का भी फायदा इनको मिलने वाला है। ठीक हो गया। चंद्रमा से देखते हैं तो देखिए 7, 8, 9 अभी फिलहाल जुपिटर जो है गोचर उनसा, गोचर का मतलब क्या होता है, ट्रांजिट यानी दशा का मतलब मेरा, वो मेरा ही है, गोचर का मतलब मेरे आसपास गुड न्यूज और बैड न्यूज का आना। अभी मेरा गोचर खराब चल रहा है तो मुझे आसपास का माहौल नेगेटिव बनने लगा है, मेरे पड़ोसी मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें कहने लगे कि यार वो तो वहां पर ऐसे उनके साथ गड़बड़ हो गई, खराब हो गया, उनके परिवार में की मृत्यु हो गई, डर का माहौल बनाना अगर नेगेटिव गोचर है, लेकिन मेरी दशाएं बहुत अच्छी हैं तभी भी तो ऐसी ऐसी बैड न्यूज आ रही है, फिर भी मैं डर रहा हूं और मुझे सब चीज में फायदा मिल रहा है, डर का माहौल होने के बाद भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि मेरी दशाएं जो मेरे चार्ट पर ही एप्लीकेबल है वो बहुत अच्छी है। उसकी बजाय गोचर ट्रांजिट जब मैंने चंद्र कुंडली से देखा तो बहुत बढ़िया आ रहा है, माहौल अच्छा बना हुआ है, आसपास लोग बता रहे हैं कि सर उसको ऐसा मार्केट में पैसा लगाता है तुरंत फायदा मिल जाता है, बहुत बढ़िया, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब तो मुझे मेरी सैलरी डबल होने वाली है। मेरी दशाएं लेकिन अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो जो सैलरी है वो ही मेंटेन करना भारी पड़ रहा है या वो थोड़े से भी कम हो रहा है, और जब दशाएं और गोचर दोनों अनुकूल हो जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि
इस डर से भी तो हम बड़े परेशान रह जाते हैं यार, आसपास मुझे मार्केट का या पड़ोसियों का व्यवहार बड़ा अटपटा सा लग रहा है, डर व्याप्त हो गया है। तो वो गोचर का काम है, वो करे चाहे कुछ भी ना, लेकिन डर एक बना माहौल पूरा बना देता है। कहता ऐसा लग रहा था यार हार ही जाएंगे, लेकिन जीत गए। तो ये जो ऐसा लग रहा था हार ही जाएंगे, ये गोचर, फिर भी जीत गए, वो दशा। तो वो चीज अपने को भी समझनी है कि ये कह रहे, ये चीज तो सभी के लिए है। जोडियक का धन भाव है ये, वृषभ टॉरस भौ चक्र में उसको धन के लिए, धन एकत्रण के लिए इसको अलॉट किया गया है, दो नंबर राशि को। तो आप समझ सकते हैं कि गोचर में जब मई फर्स्ट में बृहस्पति आएंगे तो इंप्रेशन तो करीब करीब सभी के लिए एक अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप देख लीजिएगा मार्केट में इस प्रकार का एक अलग ही तेजी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ण का भी कारक माना जाता है। और यह भी संभावना है कि गोचर में वृषभ राशि में बृहस्पति आने पर पहले के मुकाबले ज्यादा गोल्ड का खरीद फरोख हो। गोल्ड का कारक धन भाव में आ रहा है और बड़ी प्रसन्नता के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में पैसा वहां लगाया, नहीं, प्रसन्नता के साथ। लेकिन मैंने क्या बताया, ये सिर्फ गोचर का विषय है, ठीक हो गया। गोचर से फिर आप सीधा ही जब फलित करने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर आदमी पर, तब गड़बड़ होने लग जाती है, उसकी दशा तो हमें पता नहीं है। तो जब दशा भी पता है और गोचर भी पता है, फिर आता है असली आनंद। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कब हम माने गलत, वो भी नहीं, आप समझ रहे इस चीज को, जो कहते हैं ना लोग गोचर से फलित करते हैं, गलत नहीं है वो, लेकिन अधूरा फलित है ना वो, हमें ये थोड़ी पता उसकी क्या दशाएं हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि गोचर आसपास का एक माहौल बनता है। तो ये 33 सर्वस्टकवर पॉइंट है, वैसे भी अच्छा है। और ये नवम भाव में लग्नेश आगे अप्रूवल की दृष्टि से, इनको एक प्रयोग भी अगर ये करना चाहे कर सकते हैं, पिता की दृष्टि से अच्छा रहेगा। नवम भाव में लग्नेश आगे, इनको हालांकि ऐसा लगा था कि मैं जुपिटर के लिए रत्न पहनूंगा। रत्न हम सामान्यतः बचते हैं, बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन उसको एक प्रकार का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको 3 और 6 संभालना है, यानी फंक्शनल मेलिफिक नेचर, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट को दिया गया इस लग्न के लिए, तो उसको ये 3 और 6 भी संभालना होगा। इसलिए कोशिश करें, कोई वैसा प्रयोग गुरु का आदर सम्मान करना वो अलग बात है, लेकिन जो राशिक प्रयोग रत्नों के लिए है वो इस प्लैनेट के लिए ना करें इस लग्न वाले। उसकी बजाय यदि वो लग्नेश का रत्न धारण कर लें, शुक्र का रत्न धारण कर लें, यानी डायमंड, हीरा, हीरा नहीं तो फिर हीरे का सब्स्टिट्यूट ओपल है, जर्कन है, वो मध्यमा बीच की उंगली में काम पूर्ति के लिए, और वैसे भी इसको सैटर्न फिंगर माना जाता है, शनि की उंगली, और शनि और शुक्र की अच्छी मित्रता है। कुछ भी नहीं है तो मैं कहता हूं बीच की उंगली में खाली व्हाइट मेटल का छल्ला भी पहन लेते हैं तो भी इनके अप्रूवल्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पिता को भी सहूलियत मिलेगी। शुक्र नेचुरल कारक स्पाउस का भी होता है और स्पाउस से संबंधित विषय, देखिए हम शुक्र को मानते हैं एक सुहागन स्त्री, चरित्रवान, जो अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। तो ऐसी महिलाओं को आप जब लक्ष्मी जैसा सम्मान दे कि माने वो कुटुंब लक्ष्मी है उस परिवार की, ग्रह लक्ष्मी उस परिवार की, तो फिर वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। यानी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है यदि आपके चार्ट में, तो आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि शुक्र संबंधी प्रयोग है तो मतलब सुहागन स्त्रियां, जैसे हम ऐसा विधान आपने सुना होगा, हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। चार्ट में कन्या जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी में कन्या, ध्यान रखना है। हम एक प्रकार से बहन रूप में भी बुध को देखते हैं, तो जब हम बुध संबंधी प्रयोग पर जा रहे हैं तो कन्याओं को भोजन कराना और अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम शुक्र संबंधी प्रयोग जा रहे हैं तो हम अगर सुहागन स्त्रियां, चरित्रवान
बहुत प्रेम करते हैं अपने पति के साथ, ऐसी स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, पवित्रता के साथ उनका आशीर्वाद लेते हैं, ऐसा माहौल बनता है। इनको भी अगर आप कुछ ऐसा साज सज्जा का कुछ सामान ऑफर करते हैं, ठीक हो गया, तो बहुत बढ़िया। यानी परिवार की सहमति से महिलाओं का स्वागत, महिलाओं का एकत्रण कराएं, उनको कुछ ऑफर करें, उनको भोजन कराएं, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया, ये ध्यान रखना है, शुचिता शुद्धता इसका ध्यान रखते हुए। तो ये पिता के लिए काम करेगा, बड़ा मतलब आश्चर्यजनक रूप से कि हमें लग रहा है कि हमने प्रयोग किया है शुक्र संबंधी, लेकिन एग्जीक्यूट कर रहा है वो नाइन्थ हाउस से। अपनी पत्नी को भी प्रसन्न रखें, शुक्र नेचुरल कारक होता है स्पाउस का, तो भी इनके पिता की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वैसे इनके चार्ट में बहुत बड़ा दोष नहीं है हेल्थ को लेकर, आप समझ सकते हैं, सूर्य जो है वो बलि है, नेचुरल कारक होता है फादर का, लेकिन जो भी एक जोडियक का इंप्रेशन बना, राहु की दृष्टि भी है, माने अगर इसको प्रथम मान ले मेष और ये नवम मान ले, तो उसका जो लॉर्ड है नवम का वो भी पीड़ित रहा और राहु की दृष्टि भी रही, तो थोड़ा कठिन रहा। बाकी चलते हैं ऑफिस में, टेंथ हाउस हमारा ऑफिस है, ऑफिस में मंगल और बुध का मिलन है और बुध और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है। बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बैठा है बुध की राशि में। ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि बुध नवमेश है, चंद्रमा दशमेश है, तो ये सबसे प्रबल राजयोग बन गया, धर्म कर्म अधिपति राजयोग। और आप जानते हैं धर्म कर्म अधिपति योग राजयोग का बेनिफिट अपने को मिलता ही है, वो बोलते हैं हमारी पुश्तों तक को उसका फायदा मिलता है, क्योंकि पंचम से पंचम होता है हमारा संतान का संतान, पंचम हमारी संतान और पंचम से पंचम हमारी संतान की संतान। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति, हालांकि ये बहुत डेडिकेटेड अपने काम के लिए, खाली बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये इनको कोई टारगेट बेस्ड रेस्पेक्ट नहीं मिलता है कि भाई टारगेट पूरा होगा तो रेस्पेक्ट मिलेगा, टारगेट पूरा नहीं होगा तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब कई दफा होता है, कई लोगों को ये काम पूरा होगा तभी वो रेस्पेक्ट मिलेगा, तभी आपको ये टारगेट पूरा होने पर वो प्रमोशन या वो माने सैलरी हाइक तब मिलेगा। इनके जीवन में ऐसा, जिसके भी चार्ट में धर्म कर्म अधिपति योग है, उसको टारगेट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। एक महीना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगले महीने नहीं भी कर रहे हैं, ऑफिस में इज्जत कम नहीं होने वाली है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पिछले महीने तो तूने टारगेट अचीव कर लिया था तो तुझे रेस्पेक्ट है, इस महीने ठन ठन गोपाल, रेस्पेक्ट कम होगी, ऐसा धर्म कर्म अधिपति योग वालों के साथ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं मंगल बुध का मिलन भी, पांच और सात, पांच और नौ का मिलन है, ये राजयोग हो गया, और बुध और चंद्रमा का राशि परिवर्तन नौ और दस का प्रभाव आ गया, तो ये भी बहुत हमारे लिए कारगर हो गया। फिर इसमें एक चीज और, एक माइक्रोस्कोपिक जब हम नजर डालते हैं, थोड़ा और गहन चिंतन करते हैं, तो समझ में आता है कि जो ऑफिस में जो प्लैनेट बैठे होते हैं, जो उन कॉन्स्टेलेशन पे, उस पर भी यदि हम विचार करना चाहें तो कर सकते। बहुत चक्र जोडियक का पहला राशि मेष राशि में राहु बैठे हुए, राहु केतु एक्सेस हम नागों के साथ जोड़कर देखते हैं, इनको कभी भी ऑफिस में माहौल अटपटा लगे तो आश्लेषा नक्षत्र ने मंगल और बुध को जगह दिए, तो नागों का चित्र लगाना, शेषनाग का चित्र लगाना, सरसैया पर विष्णु भगवान बैठे, इस प्रकार का चित्र इनके ऑफिस में लगाना इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर अब आते हैं सैलरी भाव, बहुत बढ़िया, आय भाव, बेस्ट फ्रेंड्स, तो इलेवेंथ हाउस बेस्ट फ्रेंड्स, इनके कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे पदों पर हैं, पदासीन माने एक आईएएस अधिकारी जैसे इनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, और सूर्य आफ्टर मैरिज चार्ट में धन भाव को बढ़ाने वाला है, बहुत बढ़िया, एग्जॉल्टेड हो गया है तो बल और बढ़ा हुआ है, सैलरी में दिक्कत आएगी नहीं, उल्टा अगर आप प्रतंत्र दशा आगे देखेंगे तो इनको अभी जल्दी ही 17 मार्च को कुछ
सैलरी हाइक जैसा कुछ ऐसा मिलने वाला है इनको। और जैसे मैंने बताया मई फर्स्ट में इनको ट्रांजिट में भी जुपिटर नाइन्थ हाउस में आ जाएगा, कुछ चीज अप्रूव हो गई ऐसा कुछ इनको मिलने वाला है। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस्ट फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। सूर्य राजा बैठा हुआ है स्वराशि का। फिर आते हैं बारहवें भाव में। बारहवें भाव की दृष्टि से ये होता है हमारा खर्चा, हमारा निद्रा का सुख, नींद का सुख, दूसरे हमारे बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में ये कमजोर माना जा सकता है। 20 अंक है सर्वस्तक वर्ग में इनको। एक तो फुट वाला पैरों का निचला हिस्सा उसको लेके थोड़ा सतर्कता रहनी चाहिए इनको। और फिर इनको दूसरे क्या बात करते हैं उसका ज्यादा ध्यान, बैक बाइटिंग बोलते हैं ज्यादा होती है यदि बारहवें भाव का सर्वस्तक वर्ग कम हो। और चंद्रमा हालांकि परिवर्तन योग का फायदा जरूर मिलेगा तो वो इस चीज से जीत तो जाएंगे, लेकिन फिर भी जानना मतलब क्या, जानना मतलब यही होता है कि मेरे चार्ट में ये मैंने जान लिया है, अब मैं इसको इग्नोर करूंगा, ठीक हो गया, तो उस पर ज्यादा उसकी परवाह नहीं करनी है। सुख कम होता है निद्रा का सुख, तो उसको थोड़ा सा समय पर व्यवस्थित करें, सोने समय पर जाएं, अच्छे से हाथ पैर धोकर, जैसे मैंने बोला स्पेशली पैर धोकर शयन सुख लें, क्योंकि बारहवां भाव पैरों के निचले हिस्सों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पैर धोकर अच्छे से अगर जाएंगे तो नींद समय पर आएगी। तो ये कुछ एक दो कमियां दिखाई दी, बाकी चार्ट काफी अच्छी स्थिति में है, बली चार्ट है, कोई समस्या नहीं। आप चाहें तो और भी कई चीजें, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर ये रह गया, आप जानते हैं चार्ट तो एक क्लास में तो क्या 24 घंटे में तो क्या वो जिंदगी भर भी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो माने हम ये तो हमारा क्या दम्भ है कि मैंने एक चार्ट कंप्लीट कर दिया मैंने आधे घंटे में एक घंटे में, अहंकार है मेरा, ठीक हो गया, ये एक घंटे आधे घंटे में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मुख्य मुख्य सिद्धांत हम कवर कर सकते हैं कि भाई क्या क्या मुख्य मुख्य बातें वो हम कवर कर सकते हैं। अब जैसे इनका जो शनि, जैसे मैंने बताया आत्मकारक है, और आत्मकारक ये जो चर कारक है इनका स्थिर कारक जैसा संबंध जब आता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। लग्न मतलब हमारे आत्मा के हिसाब से, तो अगर लग्न का संबंध आत्मकारक से आता है तो बहुत शांति, तो गोल्डन टाइम मैंने जैसे बताया शनि की महादशा गोल्डन टाइम आएगी। आमात्य कारक कौन है इनका, शुक्र, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी। तो जब इनका दूसरे भाव का और आमात्य कारक का या ग्यारहवें भाव का और आमात्य कारक का कोई संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है किसी भी चार्ट में तो बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक हो गया। शुक्र हालांकि नवम भाव में बैठे हैं जो सूर्य के लिए भी एक स्थान माना जाता है, इनडायरेक्टली संबंध तो बनता है नवम भाव पिता पूर्वजों की दृष्टि से। और जैसे मैंने बताया कि रेमेडी की दृष्टि से भी शुक्र के लिए प्रयोग करना पिता को बेनिफिट देगा, ठीक हो गया। तो धन का भी जो आमात्य कारक है माना जाता, वो एक अलग सिद्धांत, वो जैमिनी ऋषि ने हमें बताया था। और अगर कभी इनका स्थिर कारक और चर कारक मिलते प्रतीत होते तो वो तो प्लैनेट बहुत ही अच्छा फल देता है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम देखें मात्र कारक बुध आते हैं, ठीक हो गया, और उसका दृष्टि है चौथे भाव में, और चौथे भाव यानी मात्र कारक से संबंध अगर निकलता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। इसी प्रकार से आप सारे पॉइंट्स मिलाकर देखें, जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा उस समय पर फलित करते समय वो पॉइंट अपने आप देवताओं के और गुरुओं के आशीर्वाद से आ जाएगा। और जब हम समय नहीं दे पाएंगे तो फिर वो कैसे आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सभी व्यूअर्स का हृदय से धन्यवाद। आप लोग बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से आप अपना सहयोग बरकरार रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगवत पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।